नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, भाई अगर आप 2 HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो 2 HP की मोटर के लिए कितना सोलर प्लांट आपको चाहिए, कौन सा उसमें VFD लगेगा, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सिंगल फेज़ के लिए भी और ट्रिपल फेज़ के लिए भी, 3 फेज़ वाली के लिए भी, और जो आप हमारी सिंगल फेज़ में आती है जिसको 2 फेज़ वाली भी कहते हैं उसके लिए भी, एक्चुअल में दोनों के लिए कितना सोलर प्लांट लगेगा, कौन सा VFD लगेगा, क्या कुछ उसकी कॉस्टिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात हो रही है 2 HP की मोटर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंगल फेज़ की मोटर के लिए। सिंगल फेज़ की मोटर के लिए वैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है, जैसे उसमें 1 HP के लिए, 1.5 HP के लिए, 3 HP के लिए मैंने डाली है, और स्पेशल एक सिंगल फेज़ के लिए भी डाली है। लेकिन मैं इसमें आपको आज एग्जैक्ट बात करेंगे हम 2 HP की। भाई अगर आपके पास 2 HP की मोटर है सिंगल फेज, उसके लिए आप सोलर प्लांट का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्चुअल में कितना सोलर प्लांट लगेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी आपकी मोटर है, जो आपकी सिंगल फेज़ की मोटर है, वो आपकी कितने एम्पियर ले रही है। ये सबसे पहला इसमें आपको पॉइंट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका रीज़न क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले तो आपको ये देखना है उसकी एम्पियर कितनी है। सिंगल फेज के तो सीधी सी बात है 220 से 240 वोल्ट तक वो लेगी। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि हमें सोलर कितना लगाना है। तो सोलर हमारा डिपेंड करेगा वोल्ट पर। वीडियो को ध्यान से देखना, यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पर लोग उलझते हैं, और इसी पॉइंट पर उलझने के लिए वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं, और उनको डीलर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उस चीज़ का लगभग कई बार उसको भी नहीं पता होता। 2 HP की मोटर, पहली मैं बात करूंगा सिंगल फेज़ की मोटर है तो हमें वोल्ट कैसे सेट करनी होती है, पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो में बताया, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जितने वोल्ट की आपकी मोटर है, कम से कम उसकी 1.5 गुना वोल्ट आपके सोलर प्लांट की होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसी में हम उदाहरण लें, 220 वोल्ट की आपकी मोटर है तो हमें कम से कम वोल्ट चाहिए 330। भाई 330 वोल्ट हमारे पास होगी सोलर की, तभी हमें 220 मिल पाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो उसमें क्या करना है आपको, 220 वोल्ट की मोटर हो गई आपकी, 330 वोल्ट आपको सोलर की चाहिए। उसके बाद एम्पियर, कितने एम्पियर मोटर ले रही है उतनी एम्पियर आपके पास होनी चाहिए। अगर मोटर आपकी 5 एम्पियर ले रही है, 10 एम्पियर ले रही है, 12 एम्पियर ले रही है, वो एम्पियरिंग भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम इसी में एग्जाम्पल लें, अगर आप 335 वोल्ट के पैनल लगाओ तो 335 वोल्ट के पैनल आपको 8 पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, 8 पैनल पर आपकी जो है सिंगल फेज वाली मोटर 2 HP वाली वो रन होगी। लेकिन अभी ये आधी है, आधी इंफॉर्मेशन है, अभी रुको थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, आपको 8 पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, 8 पैनल पर आपकी वोल्ट तो मैनेज हो गई। अब बात करेंगे एम्पियरिंग की। तो मैंने कहा था कि एम्पियरिंग वाला ध्यान से समझना। 2 HP में कई ब्रांड ऐसे हैं, खासकर डिपेंड करते हैं वो चीज़ मोटर पर। जैसे इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर आपकी 2 HP की अगर ब्रांडेड है तो वो आपकी ऑलमोस्ट 10 एम्पियर तक लेगी, 9.5 भी ले लेगी। लेकिन अगर वो मोटर आपकी मोनोब्लॉक पंप है, भले ही ब्रांड में हो, वो आपका 11 एम्पियर लेगा। समर्सिबल पंप है, वो आपका 12 एम्पियर तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी कंपनी पर और उसकी जो वोल्ट है उस पर। तो अगर आपकी मोटर 10 एम्पियर तक लेती है तो उसके लिए मार्केट में कंट्रोलर अवेलेबल है हमेशा, आप कभी भी ले सकते हो। आपको 8 पैनल इंस्टॉल करने हैं और आपको वो कंट्रोलर लगाना है और उससे आपकी मोटर चल जाएगी, जो आपका VFD कंट्रोलर है। लेकिन अगर इसी केस में अगर आपकी एम्पियरिंग पावर बढ़ गई ज़्यादा, जैसे अगर मोटर ले रही है 11 एम्पियर, तो 11 एम्पियर वाली का चांस है चल जाएगी, लेकिन वो उसकी स्पीड धीमी रहेगी। अगर मोनोब्लॉक पंप है तो वो आपका प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि एम्पियरिंग कम जा रही है। और अगर वो चली जाती है 12 एम्पियर तक, यानी कि मोटर आपकी ले रही है 12 एम्पियर, उसके लिए कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पहले आता था एक कंपनी का, लेकिन अब उन्होंने भी बंद कर दिया है। तो उसमें अगर आप 12 एम्पियर, 13 एम्पियर तक भी कई मोटर जाती हैं, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है, उसके लिए या तो हम स्पेशल जो बैटरी लेस इन्वर्टर बनाते हैं, या तो वो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मोटर ऐसी रखो जो आपकी 10 एम्पियर तक लेती हो, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप 10 एम्पियर तक वाली मोटर लेते हैं वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, अगर हम सिंगल फेज में बात करें तो। 2 HP की मोटर अगर आपकी 10 एम्पियर तक लेती है तो उसके लिए आपको 8 पैनल इंस्टॉल करने हैं 335 वोट के, और उसमें आपको एक VFD कंट्रोलर लगाना है जो लगभग 12-13 हज़ार के आसपास आ जाएगा। वो कंट्रोलर लगा के आप अपनी मोटर को चला लोगे। अब इसी में एक बात अगर हम करें कि सर अगर हम 550 वोल्ट के पैनल की बात करें, देखो मोटर का केस ऐसा है, इसमें वोल्ट पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब अगर आप 550 वोल्ट के भी पैनल लगाओ तो कम से कम 7 पैनल आपके लगेंगे, 7 पैनल आपके लगेंगे तो वो आपका हो गया लगभग 3800 वाट के करीब, यानी कि लगभग 4 किलो वाट के करीब चला गया, और उसमें आपका जा रहा है 2.5 किलो वाट के करीब। तो मोटर के केस में खासकर अगर हम बात करें 10 HP तक, तो छोटे पैनल का इस्तेमाल करो, तो छोटे पैनल का ही इस्तेमाल करो, उसमें आपकी इन्वेस्ट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप बड़े पैनल की तरफ जाओगे।
तो ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज की मोटर के लिए। अगर आप 2 HP की मोटर चलाना चाहते हैं, अगर वो 10 एम्पियर तक लेती है तो उसका सोल्यूशन है ये। अगर वो 10 एम्पियर से ज़्यादा लेती है तो उसका सोल्यूशन है, उसके लिए आपको बैटरी लेस इन्वर्टर लेना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी मोटर ले रही है 12 एम्पियर, अब 12 एम्पियर वाली 10 एम्पियर वाले कंट्रोलर से तो चलेगी नहीं, अब आपने उसके लिए ले लिया बैटरी लेस इन्वर्टर। अब आपको सोलर प्लांट भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एम्पियर नहीं है उतनी, या फिर उसमें आपका काम करेगा 550 वोल्ट का पैनल। आप 550 वोल्ट के पैनल लगा लो, उसमें आपके 7 पैनल लगेंगे, उस पर आपकी वो मोटर रन हो जाएगी, या फिर उस केस में आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी हमारी सिंगल फेज 2 HP तक की मोटर की। अब अगर हम बात करें, अगर हम मोटर लें 2 HP की, लेकिन हम अगर उसको लें 3 फेज में, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसमें फिर वहीं पर बात उलझती है कि जो भी वोल्ट आपकी मोटर ले रही है उसका 1.5 गुना पैनल आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी मोटर 415 वोल्ट ले रही है तो ऑलमोस्ट आपके पास 600 वोल्ट आपके पास सोलर की होनी चाहिए। उसके बाद जितनी एम्पियर वो ले रही है, 2 HP की है तो लगभग वो आपकी 3 एम्पियर के करीब लेगी। अगर हम 3 फेज में बात करें, 3-4 एम्पियर मुश्किल से लेगी वो। तो अगर वो 3-4 एम्पियर लेगी, एम्पियर तो आपके पास 335 वोल्ट वाला ही पैनल पूरी कर रहा है, क्योंकि उसकी जो एम्पियरिंग होती है वो 8 होती है। तो 600 वोल्ट बनाने के लिए आपको 335 वोल्ट के जो पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे कम से कम 13 पैनल, और उसकी वोल्ट घटती बढ़ती रहती है क्योंकि पूरा परफॉर्म कभी नहीं करता पैनल। तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है 3 फेज वाले केस में, वो आपकी जा रही है 14 पैनल तक। तो उस 14 पैनल की अगर आप इंस्टॉलेशन करते हो तो उस 14 पैनल को आपको वोल्ट बनेगी, वोल्ट आपकी पूरी होगी 600 वोल्ट, एम्पियर आपका पैनल दे ही रहा है, तब आपकी मोटर रन होगी। तो 3 फेज का केस कुछ इस प्रकार से है। यानी कि छोटे केस में अगर हम बात करें, चाहे वो 2 फेज की मोटर है, 3 फेज की मोटर है, 2 HP है या 3 HP है, अगर हम छोटे प्लांट में बात करें तो उसमें सोलर बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम सेम प्रोजेक्ट लें, आप अगर 14 पैनल लगाएं, VFD कंट्रोलर लगाएं, उसी से आप अपनी 5 HP तक की मोटर भी चला सकते हो। यानी कि ये सेम प्रोजेक्ट आपका 2 HP, 3 HP, 5 HP तीनों मोटर्स में काम करेगा 3 फेज के लिए। अब इसमें एक सवाल आता है कि सर, जो गवर्नमेंट वाले लगा रहे हैं वो तो 6 पैनल पे मोटर चला रहे हैं। भाई, वो जो मोटर चला रहे हैं, पहली तो बात है, जो 2 HP तक की मोटर है ऑलमोस्ट DC लगी हुई है। पहला तो पॉइंट उसमें ये है, अगर वो DC भी नहीं है, पहली तो बात है वो DC है, क्योंकि मेरे सामने जितने प्रोजेक्ट आए हैं सब में DC मोटर है। अगर वो DC भी नहीं है तो उसकी वोल्ट बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, 7.5 HP का प्रोजेक्ट अगर आपने देखा हो तो वहां पर आपको पैनल मिलेंगे 20 पैनल पर मोटर रन हो रही है 335 वोल्ट के 20 पैनल पर। लेकिन 335 वोल्ट के अगर आप 20 पैनल लो, आप 7.5 HP जो मार्केट से मिलती है उसको नहीं रन करवा सकते, क्योंकि वो जो सरकार मोटर दे रही है उसकी वोल्टेज कम होती है, और ये जो आम मार्केट में जो मिलती है इसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है। लेकिन बात यह है, आपको सिमेट्री बिठानी है। अब उस सिमेट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ती है छोटी मोटर के केस में। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हमने 2 HP सिंगल फेस वाले की बात की थी, तो उसी 2 HP सिंगल फेस वाले से आप 1 HP, 1.5 HP, 2 HP तक की मोटर चला सकते हो सिंगल फेस में, 2 से ऊपर नहीं चलेगी, वो भी 10 एम्पियर तक। और अगर हम इस केस में बात करें, जो 3 फेज वाला केस है, इस केस में सीधा प्रोजेक्ट, सीधा हम ये कह सकते हैं कि 5 HP का ही लगेगा, उससे फिर आप अपनी जो है 2 HP, 3 HP, 5 जो भी मोटर चलाना चाहे वो मोटर चला सकते हैं। अब एक सवाल हो रहा था होगा मन में कि सर, अगर हम छोटे पैनल लगाएं, पहली तो बात यह है कि छोटे पैनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है भाई। 335 वोल्ट से अब कम पैनल बहुत ही कम आ रहे हैं मार्केट में, बना ही नहीं रहे क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही है ऐसी। तो सबसे छोटे पैनल आप 335 वाले लगा लेंगे, टाइम था तब 200 वोल्ट के पैनल, 150 वोल्ट के पैनल भी चलते थे। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम यही आएगी, अगर वो मिल भी जाए तो उसमें भी आपको वोल्ट बैठानी पड़ेगी। अगर आप वोल्ट बैठाओगे, यानी कि 600 वोल्ट पे जाओगे, 600 VOC पे जाओगे, तो आपके बहुत ज़्यादा सोलर पैनल उसमें लगेंगे। तो सिंगल फेज और 3 फेज वाला केस इस प्रकार से, इसको ध्यान से समझना, चाहे वीडियो को दोबारा देख लेना। जो ये छोटी मोटर के केस है, 1 HP, 2 HP, 2.5 HP, 3 HP तक के, इन केस में थोड़ी सी उलझन है। उलझन का मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और लोग सोचते हैं, लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई 2 HP की मोटर है वो तो 2 kW सोलर से चल जाएगी, लेकिन वो मोटर जो गवर्नमेंट देती है ना वो अलग होती है। 7.5 HP की मोटर है, 7.5 kW से चल जाएगी, 7.5 वाली का भी केस थोड़ा ऐसा ही उलझा, वो मैं फिर कभी आगे डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने बताया कि 2 HP सिंगल फेज के लिए कितना प्लांट लगेगा, और 2 HP अगर आप 3 फेज में ले उसके लिए कितना प्लांट लगेगा। अब इसमें हम बात करते हैं खर्च की। अगर आप सिंगल फेज में जाएं तो सिंगल फेज में इसका ऑलमोस्ट खर्च आ रहा है 1.25 लाख के करीब। उसमें आपका सोलर प्लांट हो गया, उसकी इंस्टॉलेशन हो गई, साथ में उसका VFD कंट्रोलर हो गया। अगर आप इसमें आते हैं 3 फेज में, 3 फेज में इसकी ऑलमोस्ट कॉस्टिंग जा रही है आपकी 2 लाख के करीब। उसमें भी आपके सोलर पैनल, उसके इंस्टॉलेशन, और उसमें VFD कंट्रोलर, क्योंकि उसमें VFD कंट्रोलर सीधा 5 HP वाला ही चलेगा।
तो ये इसकी कॉस्टिंग जा रही है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। अगर आपके पास 2 HP की मोटर ऑलरेडी है सिंगल फेस की और वो 10 एम्पीयर तक लेती है तो सिंगल फेस में जाओ। अगर आपके पास मोटर 10 एम्पीयर से ज़्यादा ले रही है सिंगल फेस में तो उसको या तो चेंज करो या तो 1.5 HP में काम चलाओ या फिर उस मोटर को चेंज करके 2 HP सिंगल फेस वाली कम लेके आओ। सिंगल फेस का तो ये सोल्यूशन। अगर हम इसको 3 फेस में लेके चले जाएं तो 3 फेस में ये है भाई, इससे अच्छा अगर 2 HP की ही चलानी है 3 फेस वाली तो इतना सोलर लगाओ, नहीं तो वहाँ पे 3 HP की डाल दो या 5 HP की डाल दो, वो भी आपका काम करेगी। और हो सकता है क्योंकि पंपिंग में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है तो वहाँ आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है 3 फेस वाली तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, आप प्लांट लगवाओ और उसको रन करो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जा सकते हैं या फिर ये हमारा नंबर दिया गया है इस पर हमें व्हाट्सअप भी डाल सकते हैं। तो भी ये थी आज की वीडियो, इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।